हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बात करेंगे आज सिंगोनियम पौधे के बारे में। अगर ये सिंगोनियम का पौधा आपके गार्डन में नहीं है तो जल्दी से लाकर इस पौधे को आप आपके गार्डन में लगाएं, क्योंकि इस पौधे की कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। बड़े आसानी से चलने वाले पौधा है ये, और इसको ऐसी जगह पर मैंने तो देखी कितना इस एक हैगिंग पॉट में इसको लगा रखा है, और ऐसी जगह पे इसको गमले में लगाएं या एक पॉट में लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं जिधर हवा अच्छे से आती जाती हो, और धूप की इस पौधे में कोई आवश्यकता नहीं है। धूप भी इस पौधे को पसंद ही नहीं है, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही मैं आपको वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो बड़ा ही अच्छा पौधा है, और देखिए इसकी हमेशा बस आप इसको बनवनते में एक बार काऊ डंग खाद या बर्मी कंपोस्ट या जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो आप एक वन मंथ में टू मंथ में दे सकते हैं, और इसको दोनों टाइम आप वाटरिंग करें। इसको हमेशा नमी वाली सोइल इस पौधे को पसंद है, बस धूप ना आने दें इस पौधे को। छोटे बड़े पॉट में किसी भी पौधे में ये बड़े आसानी से लग जाता है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।